మందు గురు దీక్ష తీసుకుని ఉన్నా తీసుకుని లేకున్నా తీసుకునే కొత్త వాళ్ళైనా సరే గురుమంత్రాన్ని తీసుకోండి. గురుమంత్రం పది మంది గురువులకు చేయవచ్చు. నేను గురుమంత్రం మొదలై తీసుకున్నాను, ఇంకో గురువు దగ్గర తీసుకోవాలా లేదా అనేది కాదు. దత్తాత్రేయుల వారికి 64 మంది గురువులు ఉన్నారు. పరమపుణ్య స్వామి విశేషానందికి 66 మంది గురువులు ఉన్నారు. గురువు యొక్క దీక్షాపరమైన దీక్ష తీసుకోవడం వరగా దక్షతను కలిగించడం, ఆ గురుమంత్ర కృపంతో మనలో దక్షత రావడం, సామర్థ్యం రావడం, అటెన్షన్ అవ్వడం దేవతల పట్ల. కాబట్టి గురుమంత్ర దీక్ష బీజాక్షరం లేనిది కనుక నామంత్ర జపం ఏదైనా తీసుకోవచ్చును. కాబట్టి ఇప్పుడు గురుమంత్ర దీక్ష ఇస్తున్నాను. అందరూ ఆప్కే హాత్ జోడకర్ మే గురుమంత్ర దీక్ష దే రహ ఆప్ హాత్ జోడకర్ బైఠే గురుచారు ఓడ్లే సభీ గురుమంత్ర దీక్ష లేతే సమయ తిలక్ కర్ణా అనివార్య హై. తిలక్ కర్ణా చాహియే జిస్కే భ్రుగుటి మధ్యమే తిలక్ రహనే సే గురు దీక్షా కా ప్రభావ జ్యాదా హోతా హై. బినా తిలక్ కే నా హై తిలక్ కరే. లేని వాళ్ళకు బుట్టు పెట్టి అంటే हाँ जुड़ो. मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कहो. बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आपका लेफ्ट हैंड हृदय पर रखो, राइट हैंड साइड पर रखो. मंत्र बोल रहा हूँ. बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. चेतना मंत्र बोल रहा हूँ. ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः. ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्. एक बात को याद रख लो, मैं जो साबर विधान की दीक्षा दे रहा हूँ ये दीक्षा कलयुग में बहुत कम लोग जो नाथ सांप्रदायी है जिन्होंने दीक्षा संपन्न की है, जिन्होंने मंत्र दीक्षा को सिद्ध किया है. साबर विधान के बारे में स्वयं गुरु जी का कहना है कि कलयुग में यह एक ऐसी मंत्र दीक्षा है जिसको न्यास आदि ध्यान आदि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और उसको किसी वर्ण की जनेऊ पहनने की धंधे में वेश को वाला मंत्र दीक्षा जिसको वाला गायत्री इवन्नी साबर विधान मंत्रालय के लिए तत्कालमैन యొక్క ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే మామిడి పండు చెట్టు నుంచి మామిడి పండును కోసుకోవడం. వేద మంత్రాల్లో ఏమిటంటే నీవే బీజం నాటి చెట్టు మొలిసిన తర్వాత పూలు పండ్లు అయిన తర్వాత పండ్లు తెంపుకుంటావు, కానీ సాబర విధానంలో అట్లా కాదు. నువ్వు మామిడి చెట్టు ముందు నిలబడు, మామిడి పండ్లు కోసుకో తిను. కనుక సత్ఫలితాన్ని ఇచ్చే ఈ సాబర విధానానికి యొక్క విధానాన్ని ఏమైనా చెప్తున్నారంటే మీరు ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నారో అక్కడే ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. ఆ సాబర విధానానికి విశిష్ట అయ్యర్హియే कि वेद मंत्रों में क्या गया है, आप बीज मंत्र को बीज को रखो, पेड़ होगा उसके फूल लगेंगे फल होगा, उसके बाद में आप फल का अनुभव करो. लेकिन साबर मंत्र वैसे नहीं है, आम का फल लगा हुआ है पेड़ लगा हुआ है उसके पास जाओ खड़े रहो आम के फल को ले लो खा लो, ये साबर विधान है. तत्काल फल की प्राप्ति कलयुग में होने का विधान है. क्योंकि पहले जमाने में हजारों वर्ष साधु लोग जिया करते थे, उनको 12 वर्ष 12 दिन की तरह लगते थे. हमारे लिए 12 वर्ष चले गए तो हमारा जीवन चले गया. हम 60 वर्ष 70 वर्ष जीना हमारे लिए बहुत कठिन बात होती है. इसलिए साबर विधान गुरु जी कहते हैं कि इस कलयुग में आपको तत्काल फल देने वाला है. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आपको लगता होगा कि गुरु जी को इस बात क्या हो गया, सब साबर मंत्र ही दे रहे हैं हमें, क्या विधान क्या है इसका, क्यों गुरु जी ने साबर मंत्र ही चुना. यस तो पुण्यों की सृष्टि की, और इन दोनों की सृष्टि में वो मनुष्य जूझता जा रहा है, पापों में हो या पुण्य में पुण्यवानों में हो. तो हम जो कुछ भी करें, हम पैदा हुए हम कार्य कर रहे हैं, तो जब हमें दुख हो और हम तुम्हारी प्रार्थना करें तो तुम्हें आना ही है. तो उन्होंने कहा तुम तपस्या करो,
तपस्या करने के लिए उस सत्य युग में 1,00,000 वर्ष जीता था मनुष्य। बाद में वो मनुष्य 10,000 वर्ष जीने लगा, बाद में 500 वर्ष हुआ, 100 वर्ष हुआ, और आज हमारे के युग में 100 वर्ष को पूर्ण आयु कही है, लेकिन 100 वर्ष कोई जीते नहीं, 60 वर्ष में बूढ़े हो जाते। तब मच्छिंद्रनाथ नवनारायण ने कहा कि अगर ये हैं तो इनको सुखों की या देवताओं का कब ज्ञान हो, वो तो 10-20 साल तो अपने बचपन में ही खेल कूद में ही खो देते हैं, पढ़ाई में खो देते हैं, 20 के बाद पत्नी होगी, पत्नी के बाद उनके बच्चे होंगे, 40 साल हो गए। अगर 40 साल में कुछ गुरु कृपा से उसको ज्ञान भी आ गया तो वो कब तपस्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 20 साल भी तपस्या करेगा तो भगवानों की सृष्टि को कब देख सकेगा, क्या करना चाहिए इसके लिए। तब भगवान लक्ष्मीकांत श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं बद्रिकाश्रम में पालन पोषण करने वाला देवता कहलाया जाता हूँ, और मेरे पालन पोषण में अगर मेरे भक्त दुखी हैं तो उनको कोई ना कोई मार्ग बताना होगा, और देवताओं की भाषा या देवताओं के यंत्र या देवताओं को हिंदी उर्दू कुछ भी लो, अक्षरों का आरंभ अल्लाह से अलीफ से ऐसे ही हुआ, अक्षर नागरिक नागरिक में ऐसे ही हुआ, इंग्लिश में भी वो ऐसे ही आरंभ हुआ, ये भी ऐसे अक्षर हुआ। तो इसके पीछे क्या था, इसके पीछे उत्पत्ति का कारण एक ही था, और वो माया के बीच में आकर जिन्होंने तरह तरह के रूप या विधान लिए उसकी बात अलग है। तो भाषाएं अ से आरंभ हुई और ह से पूर्ण हुई, तो इस अ से ह तक के पूर्ण होने की क्रिया को किस तरह लोगों में समझा गया, तो संस्कृत भी अ से ह से हुआ, तो ये भी ए से ह से हुआ, तो इन सभी की भाषाओं को एक जगह करते हुए अगर कोई भी अपने उच्चारण से करता है तो भगवान को उनके पास आना ही, देवता को उनके पास आना ही, इस क्रिया को किस तरह करें। ऋषियों ने जटिल वेदों को लिखते रहता है, वेदों का ज्ञान कितने लोगों को है, वृक्षों का ज्ञान कितने लोगों को है, नदी का ज्ञान कितने लोगों को है, जमीन का ज्ञान कितने लोगों को है। आज हमें यह भी पता नहीं, हम वर्णों के ऊपर से जानते हैं, हम काली जमीन है, सफेद जमीन है, लाल जमीन है, पीली जमीन है, इसके अलग अलग कर्तृत्व है और अलग अलग विधान है, यहाँ क्या क्या व्यापार होता है, क्या करना है, ये वेदों ने भी लिख के रखा है। काली जमीन में अच्छी फसल होती है तो लाल जमीन में रक्त बहता है, क्षत्रिय ज्यादा बलवान होते हैं, काली जमीन में शूद्र बलवान होते हैं, या ब्राह्मण सफेद जमीन में बलवान होते हैं तो वैश्य पीली जमीन में होते हैं। एक वर्ण का गया, एक क्रिया का ही, शूद्र शूद्र जाति नहीं होती, शूद्र कर्म होता है, कर्म का मतलब है मिट्टी से खेलना, मिट्टी से खेल के उसमें सोना उगाना, उसे कहा गया। ओरिजिनल शंभु या शिव ये श से ही आरंभ हुए हैं, और ये शुद्ध शब्द भी उसी से आरंभ हुआ है, ये ये शब्द ऐसे हैं कि अब हम शिव को कहाँ देखते हैं, स्मशान में देखते हैं, स्मशान में हम यहीं तक जाते नहीं, तो क्या हम स्मशान का तिरस्कार करते हैं, शिव जी का तिरस्कार करते हैं। स्मशान का मतलब श्म का अर्थ होता है वो मनुष्य, वह जो अपने प्राणों को खो गया है, और शान का मतलब है शयन, जहाँ शव मनुष्य शयन करता है उसे स्मशान काल है, और वह शिव जी की स्त्री है चाहे कालिका की स्त्री, हम उसे तो नकारते नहीं। फिर हम शूद्र जाति जाति नहीं है, ये कर्म है, वैश्य ये कर्म है, ब्राह्मण ये ब्रह्म कर्म है, और क्षत्रिय क्षत्र का रक्षा करने वाला, क्षेत्र की रक्षा करने वाला क्षत्रिय कर्म है, ये कोई जाति नहीं है। इन कर्मों के अनुसार अपने अपने जातियों वर्णों का बात करते हैं, लोग आगे बढ़ने लगे, संस्कृत का हुआ, लेकिन जब संस्कृत लोग बोलते ही नहीं, उनकी भाषाओं को उनका आता नहीं, देवनागरी को छोड़ दिया, मनुष्य अपनी भाषा आए तो बहुत ही राजसी थाट बाट से यहाँ इस संसार में पैदा हुए। जब एक सही जन्मेजय का यज्ञ चल रहा था सर्पों की इसके लिए, और नाग वृक्ष के नीचे, नाग वटवृक्ष था उसके नीचे से यह एक वीर लेकर अग्नि के पास आया, और अग्नि के पुत्र भर्तृहरि कहलाए, उस यज्ञ कुंड से उनकी उत्पत्ति हुई और उन राजा ने उनको पाला। भर्तृहरिनाथ जी जब बड़े हुए, मच्छिंद्रनाथ और दत्तात्रेय को वो पता चला, दत्तात्रेय जी पर पता चला कि भर्तृहरिनाथ जी का जन्म हुआ है, और उनको फिर पहले ये नाथ संप्रदाय में सिद्ध करना है, उनको किस तरह सिद्ध करेंगे, क्या करना चाहिए। गए तो भर्तृहरिनाथ जी अपने पास अपने साथ बैठे हुए थे, तो उनके माता पिताओं बोले इसको वैराग्य अगर नहीं दिलाया जाए तो ये फिर लंपट में लंपट हो जाएगा, और उन्हें वैराग्य दिलाने के लिए भर्तृहरिनाथ को ले गए, और जाते जाते उनके बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनको जंगल में थे, उन्हें कोई लेने के लिए नहीं, तो एक व्यापारी वृंद जा रहा था उनके साथ, भर्तृहरि जाते गए, लेकिन भर्तृहरि अपने एक श्रेष्ठ जंगल में उन्होंने छोड़ देने के कारण उनको पशुओं की भाषा का ज्ञान था। जब वे व्यापारी लोगों के साथ जा रहे थे तो कुछ कोल्हे पुकार रहे थे, तो उन्होंने कहा भर्तृहरि तुम जानते हो क्या कह रहे हैं, बोले कि यहाँ चोर है तुम्हारे लूटने के लिए आएंगे, और जब पता चला तो उन्होंने उन सारी चीजों को रोक के रखा। इस तरह पशु का, पशु भाषा का ज्ञान भर्तृहरिनाथ को था,
उनने जब ये बात कही तो बाद में रात में कोले रोने लगे, कुई कुई करते हुए। तो भरतनाथ को व्यापारी ने पूछा, ये कोले क्या कह रहे हैं? बोले कि आज रात में राजा एक महान कार्य कर रहा है, यहाँ इस राजा के राज्य में वर्षा नहीं हो रही है और अकाल पड़ गया है। जो मनुष्य इस रात में कुछ भी तंत्र मार्ग से अगर वर्षा गिरवाएगा तो राजा उसको अपना राज्य सौंप देगा। सभी को पता चला कि अब ये होगा कैसा, कौन वर्षा, अकाल की वर्षा में कौन वर्षा करवाएगा। भर्तृहरिनाथ जी कहने लगे कि ये कार्य तो होने वाला नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई सिद्ध व्यक्तित्व हो तो ये कार्य हो सकता है। सभी लोग सोचने लगे, भर्तृहरिनाथ जी को अपने भगवान दत्तात्रेय जी याद आए। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि अब कोई कमाल करना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। और वो देखने लगे कि किस क्या करने से हम इस अकाल की वृष्टि में वर्षा करवाएंगे। तो उन्होंने भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना की और कहा कि कुछ तो बोलो, किस तरह वर्षा गिरवाएं और मैं राजा बनूंगा, यह उनका कथन था। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि ये वर्षा के देवता कौन से होते हैं? अरे वरुण देवता होते हैं, मेघों के राजा होते हैं, इंद्र मेघों के राजा कहलाए गए हैं, वरुण देवता इंद्र कहलाए गए जो वर्षा गिरवाते हैं और वो इंद्र होते हैं। तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा, क्यों ना इंद्र को ही बांध देकर वर्षा गिरवाने के लिए बाध्य करें। मच्छिंद्रनाथ सब लोग परेशान, इंद्र को मानना देवताओं का राजा है क्या, बांधना मामूली बात है, उसके पास वज्र है, वज्र आयु है, वज्रास्त्र है, उसको बांधना मामूली बात नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बात है? देखिए आज जो भी जो भी हो युद्ध हो जाए, भक्तरे नाम बैठे थे, मच्छिंद्रनाथ बैठे थे, गोरखनाथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि हे इंद्र, हमें क्यों बुला रहे हैं? यहाँ की प्रजा दुखी है, यहाँ वर्षा नहीं हो रही है और तुम्हें वर्षा करवाना है, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इंद्र क्या कहते हैं, मुझे नौकर समझा क्या, बुलाया और मैं वर्षा करवाऊँ, बस समझता क्या है अपने आप को। तो उन्होंने कहा, ऐसी बात है तो तुम अमृत देते हो, अमृत पीते हो तो केवल अप्सराओं की मृत्यु देखने के लिए, सुख भोगने के लिए और हमारे कष्ट देने के लिए, तुम्हारा काम नहीं बनता इनके दुखों को देने का? नहीं बनता बोले, हमारी इच्छा है वर्षा करवाए तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। अच्छी बात है, ऐसी बात है। मच्छिंद्रनाथ बैठ गए। अब इंद्र बोले, इंद्र को बोले, तू देखते रहना, मैं तेरे शरीर में से और देवताओं के शरीर में से अमृत को खींच लूंगा। अमृत को खींचने की प्रक्रिया क्या है? मेरे पास वातास्त्र है, उस वातास्त्र से तेरे शरीर से अमृत खींच लिया तो तेरी स्थिति देख लेना क्या होता है। मच्छिंद्रनाथ जी को देखकर कहा, ये मानव मेरे से चैलेंज करता है, मेरे से अमृत ले लेगा, एक तो प्रसन्न नहीं हुए तो देवताओं को नीचे उतारूंगा ही उतारूंगा। इंद्र वज्रास्त्र लेकर गए, इसको खत्म करना है, वज्रास्त्र फेंकने गए तो उन्होंने बहुत बड़े पहाड़ों का एक ढेर जमा दिया अपने ऊपर और वज्र आया, पहाड़ पर गिरा, उल्टा चला गया। वज्र ही काम नहीं कर रहा है, इसके सामने तो ये कौन सी प्रक्रिया, कौन से मंत्र में जाता है? उन्होंने कर ला लेना है, मंत्र का कागज ला लेना है। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। अभी आपको जिस मंत्र के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी ने सिद्ध किया था। जो इस मंत्र को पांच मारा अपने गुरु के सामने खुलना करता है और बाद में नित्य 21 बार मंत्र बोलते हुए एक महीने तक इस यंत्र पर चंदन लगाकर उसको उस यंत्र को धो देकर उस चंदन मिश्रित जल को पीता है, उसको वाक् शुद्धि और उसके कंठ में स्वयं शारदा निवास करने का वचन उन्होंने माता शारदा से लिया है। ब्रह्मा कुमारी शारदा कहलाई गई है। और जो इस मंत्र का पाठ करता है उसको विद्या बहुत ही साधारण से अवगत हो जाती है, ऐसा उन्होंने वरदान लिया। माता शारदा से मच्छिंद्रनाथ जी ने मांगा कि माँ, यह जो मंत्र इस यंत्र पर करेगा उसको तू सर्व सिद्धि प्रदान और सर्व विद्या प्रदान करेगी, इसे सारस्वत यंत्र कहा गया है। और माता शारदा जिस इस मंत्र को करने वाले के कंठ में स्वयं विराजमान होती है, चाहे वो गीत गाने वाले गंधर्व क्यों ना हो या उसके कंठ से जो भी निकलता है, जो भी वाक निकलता है, वो सर्व सिद्धि प्रद कहलाया जाता है। ऐसा मच्छिंद्रनाथ नवनाथों ने इस मंत्र के कारण उन्होंने यह वरदान उनसे प्राप्त किया था। जो इस मंत्र को पांच माला जप करते हैं उसको सारी प्रकार की विद्याएं अवगत होती ही है, साथ में उसका कंठ भी बहुत एम एम सरस्वती वाक तत्व स्फुरंती जिह्वा कंठ शारदाय नमः ओम एम 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 सरस्वती वाक तत्व स्फुरंती
जिह्वा कंठ शारदाय नमः ओम ईं 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 सरस्वती वाक् तत्त्वं स्फुरन्ति जिह्वा कंठ शारदाय नमः। आप एक माला मंत्र जप करो, उसके बाद में आज का जो आपको मैंने कहा है, जैसे कि वर्षा होने का हो या अन्य स्थावर मंत्र हो, इस मंत्र के करने से सिद्ध होते हैं। आप एक माला मंत्र जप करिए कि वो भगवान दत्तात्रेय के अवतार होने के कारण भर्तृहरि नाथ है और इतनी सी माया में इतने पड़े हुए कि पिंगला मैं तेरे लिए तेरे बगैर नहीं जी सकता, अब मैं भी मर जाता हूँ। बहुत सारे लोग उसको समझाने लगे, विक्रमादित्य महाराजा ने भी समझाया, कोई भी आए, किससे भी ये काम नहीं हुआ। आखिर दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये काम अब कौन करेगा, भर्तृहरि को कौन समझेगा, वो तो मरने के लिए तैयार हो रहा है। तो उन्होंने गोरखनाथ जी को बुलाया, अरे गोरख सुन, अपने नाथ संप्रदाय के भर्तृहरि नाथ है, वो ऐसा हो गया कि वो अपनी पत्नी मर गई तो उसके पीछे पड़ा हुआ है वो, उस माया में कि उससे हटवा ही नहीं है, वो मरने के लिए तैयार है, किसी भी तरह उसको उससे माया से लाना है। बोले प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मैं भर्तृहरि को बदल सकता हूँ। बोले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू जा और उसको बदल के और स्मशान में बैठा। गोरखनाथ जी गए, देखते क्या है कि भर्तृहरिनाथ सर पीट रहे हैं, रो रहे हैं, पिंगला तेरे बगैर मैं नहीं जी सकता, वो नहीं कर सकता, उसकी हड्डियाँ पकड़ रहे हैं, भस्म लगा ले रहे हैं, उसी वहीं नीचे ऊपर हो रहे हैं। गोरखनाथ जी बोले देखे उसको, बोले ये तो ऐसा मानने वाला, मैं कुछ भी करूँ ये तो मानने वाला नहीं है। वो गए एक कुम्हार के पास, गए जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके पास गए और एक अच्छा मिट्टी का बर्तन बनाया, उसके ऊपर रंग रंग कलर बिलर सब करके उस अच्छे हंडी को अच्छा तैयार किया। और जहाँ भर्तृहरि बैठ कर रो रहे थे वहाँ पीछे से आए और होना बोल के ठोकर लगाए और नीचे गिर गए और उसका वो हंडी रंग रंगीन वाली हंडी फूट गई। अब गोरखनाथ जी जोर जोर से रोने लगे, मेरी हंडी तू चले गई, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। भर्तृहरि वहाँ बैठे थे, बोला सारा हंडी के लिए रो रहा है, अरे इधर आ इधर आ, क्या क्या हो गया, अरे मैं क्या बताऊँ, मेरी हंडी कितनी रंगीन, कितने रंग लगाया था, कितने दिन से पूजा कर रहा था, सभी टूट गई, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो हो पुकार। भर्तृहरि बोला दीवाना हो गया, तेरे को ऐसे 100 हंडियाँ लाके देता हूँ, तू क्या बात कर रहा है, ये हंडी के लिए रोता है कुछ ना। बोला तू क्यों रो रहा है। उन्होंने बोला मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो मर गई, उसके लिए वो मेरी पत्नी और तेरे, अरे तू क्या कह रहा है, तू 100 हंडी मेरी हंडी तो नहीं ला सकता, ला सकता है क्या, नहीं ला सकता, मैं तेरे 100 कुंडलाओं को जन्म कर दे, जन्म दे सकता हूँ, सारा मेरी हंडी को ला दे। आप भर्तृहरि बोले तो बात सुनने वाली नहीं, तू पिंगला को ला सकता, लगी सर क्या, मैं तेरे 100 पिंगलाओं को जन्म देता हूँ, लेकिन तू जैसा मैं कहता हूँ तुझे करना होगा, या तो तुझे मेरी हंडी ला के दी है। भर्तृहरि को विद्या नहीं आती थी हंडी को कैसे ला के दी, दूसरी हंडी को नहीं, तो वो तो कहता था कि उसी हंडी को जला दे, ये जानते थे। गोरखनाथ जी संजीवनी मंत्र को जाते थे, भस्म लिया पिंगला का और एक पुतला तैयार करके पानी छिड़का, 100 पिंगलाएं तैयार। भर्तृहरि देखा कि 100 पिंगलाओं को तैयार करने वाला ये तो कोई अद्भुत आदमी ही होगा, इतना श्रेष्ठ आदमी कहलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या कहा, तेरी 100 पिंगलाएं रेडी, पिंगलाएं आ रही इसका कि मैं सारी सिद्धियों को छोड़कर, सारी चीज़ों को छोड़कर इसके पीछे पड़ गया। बोले हे नाथ तूने कुछ भी किया है, आर्य आर्य से पीछा छोड़ा, 100 पिंगलाएं मेरे पीछे लग गई, छुड़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, एक बात मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। गोरखनाथ ने कहा तुझे इस वैराग्य से आज भी तू चाहता है कि 100 पिंगलाओं के साथ तुझे छोड़कर मैं जा सकता हूँ, लेकिन तेरा यह गम्य स्थान नहीं है, तुझे आगे चलना है, तुझे क्या करना है यह मैं बतलाता हूँ। और उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी के पास उनको लेने की बात कही तो उन्होंने कहा मेरी हंडी का क्या होगा, मेरे से नहीं हो सकता, मैं तेरी हंडी नहीं ला के दे सकता, मैंने तेरे पिंगलाओं को अगर मैं जिंदा कर सका हूँ और तुझे फिर वो विद्या को अगर मैं दे सका हूँ तो मैं, तू जान सकता है कि मैं कितना शक्तिवान, इस शक्ति को प्रदान करने वाले मेरे गुरु दत्तात्रेय भगवान, अगर तू उनके पास आता है तो मैं तुझे इस विद्या को सिखाऊंगा। वो भर्तृहरि नाथ को लेकर वहां गए और दत्तात्रेय जी को पूछा क्या हुआ, तो कहा प्रभु इतने दिव्य शिष्य को तुमने सृष्टि की है, इतना सब कुछ किया है, जो गया उसको प्राप्त करने के लिए, दुख से मिटाने के लिए तुमने ये जो कार्य किया ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन क्या इस संसार में ऐसे दुखी बहुत सारे हैं, अपना धन गया, ऐश्वर्य गया, पत्नी गई बच्चे गए बोल के रोने वाले, घर गया वो मेरे नौकरी गई मेरे राजा गया बोल के रोने वाले हजारों लोग हैं, फिर इनका उद्धार कैसे होगा। ऐसी बात बताओ कि यहाँ गोरखनाथ जी ने कौन सा ऐसा प्रयोग किया जिसके कारण यह उठकर एक दिव्य सिद्ध पुरुष बन सका, इसकी कोई उसका कोई मार्ग बताओ। तब भगवान कहते हैं कि इस संसार में पालन पोषण करने वाले देवता
भगवान नारायण कहलाए जाते हैं। और भगवान नारायण कहलाए जाते हैं, तुम्हारा इस संसार में कुछ भी गया, तुम्हारे संसार में तुम्हें ऐश्वर्य नहीं मिला, तुम्हारे इस संसार में तुम्हारा अधिकार नहीं मिला, तुम्हारे संसार में तुम्हें खाना ऐश्वर्य भोग वैभव आदि नहीं मिला, तो ऐश्वर्य प्रदान करने वाले लक्ष्मी को अपने साथ लेकर चलने वाले भगवान नारायण कहलाए जाते हैं। और गोरखनाथ जी ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया है और कहा है कि इसका ऐश्वर्य इसको दे दे, तू एक ऐश्वर्य के ले रो रहा था, वो सौ ऐश्वर्य सौ पिंगलाओं को तेरे सामने लाया केवल एक प्रयोग के कारण। और ये विषय ही तुम जिस प्रयोग के लिए रोते हो, तुम एक बार तुम्हारा जीवन किस लिए ये सोचो। आज मेरे पास आप सब लोग बैठे, कोई बॉडी में पानी नहीं आया कहकर रोता है, कोई वर्षा नहीं हो रहा है कहकर रोता है, कोई पत्नी ठीक नहीं रही कहता है, कोई साधना नहीं हो रही कहता है, कोई पैसा नहीं है तो कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं चल रहा है। ये आप सभी लोगों की समस्या है। मैं अगर कहूँ कि तुम कब मेरे साथ मानस सरोवर आने वाले हो तो गुरु जी जरा ठहर जाओ, मानस सरोवर में जाओ और बहुत समय है, मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, और मानस सरोवर आऊँगा तो मेरा क्या होगा, 9 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, नौकरी नहीं है, ये सारी कहानियाँ इतनी लंबी चौड़ी सुनाएंगे, मैं कब ले जाऊँगा आप सभी को, वहाँ ले जाने के लिए क्या करना होगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि आपके ऊपर अगर नारायण अस्त्र का प्रयोग करूं तो ये सारी चीजें आप में छूट जाएगी, सौ पिंगलाएं आपके पास आ गई, एक बार ऐश्वर्य के प्रति मोह छूट गया तब मानस सरोवर आएंगे। तुम्हारे दुख दर्दों को अगर मिटा सका, बॉडी में पानी ला सका, ऊपर से वर्षा बरसा सका, तुम्हारी नौकरी तुम्हें दे सका, तुम्हारी पत्नी तुम्हें दे सका, तब भी आएंगे। नहीं गुरु, एक पत्नी से बचने में 100 पत्नी आ गई, एक बार छिड़ के गएंगे गुरु जी 100 पत्नियों से छुटा दो, एक पत्नी से ही नहीं हो रहा है, इतने ऐश्वर्य से नहीं छूट रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर अगर मुझे साथ में लेकर जाना है, सिद्धाश्रम पहुंचना है, तो तुम्हें पहले तुम्हारे ऊपर नारायण अस्त्र का प्रयोग करना ही ठीक है। अगर वो प्रयोग करूंगा तो तुम तुम्हारे ऐश्वर्यों से जो छूटेंगे, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हें जो प्राप्त है उसे तो प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त कर लेने में छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, बाद में जो प्रयोग करना है मैं करूंगा ही करूंगा जब ये प्रयोग किया हूं। अपने जीवन में आज तक अपनी जितनी भी साधनाएं संपन्न की है, और एक साधनाओं का फल नहीं, मैं जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे ठाकुर जी भी कह रहा था पिंगला तो उसको ऐश्वर्य के साथ मिली थी लेकिन इसके ही गलती के कारण वो मरी, वैसे ही तुमने ऐश्वर्य तो भगवान नारायण गुरु कृपा से गुरु मंत्र से तुमने सब कुछ पाया है लेकिन खोने का उतना ही डर है तुम्हारे पीछे, वो नहीं मिला, आज साइकिल मिली तो कल स्कूटर मिली थी, कार मिली तो कल हवाई जहाज, इस तरह चलने वाले आप साइकिल के बारे में विचार नहीं करते कि मुझे साइकिल पर गुरु कृपा से मिली है या नहीं, अब कार और उसके ऐश्वर्य करते हैं। शादी नहीं हुई थी परेशान थी, शादी हुई बच्ची नहीं हुई, बच्ची नहीं हुई बच्चा होना चाहिए, बच्चा हुआ घर मिलना चाहिए, घर हुआ वो अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ा उसकी शादी होनी चाहिए, उसकी शादी हुई उसको बच्चे होने चाहिए, चला सिलसिला गुरु इसके पीछे ही लगा हुआ है। अरे कभी मानस सरोवर चलो, अभी कहाँ गुरु जी बच्चे की शादी होने वाली, अभी पढ़ाई नहीं, यंत्र है उन यंत्र सभी को आपके पास जो है वो आप नदी में विसर्जित कर रहे हैं और कहें कि हमारे आज तक के प्रयोग जो भी किए हैं वो सिद्ध हो जाने चाहिए।